स्वागत करते हैं दोस्तों 73 फुट के कुशल के पावन धरती से आप सभी का। और आज के इस ब्लॉग में मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं यहां का नाइट व्यू, नाइट में किस तरह से 73 फुट दिखती है और किस तरह से श्रद्धालु लोग आते हैं, कितना भीड़ होता है, सारा कुछ आप लोगों को दिखाने वाला हूं अपने इस चैनल पे। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं बैक टू बैक आप लोगों को 73 फुट का ब्लॉग दिखाने वाला हूं। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि कलयुग में दूसरा बार आप लोगों को 73 फुट में दिखाने के लिए जा रहा हूँ, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ब्लॉग रहेगा आज का। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके तभी आप लोग देख पाइएगा और हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी लोग देख सकें। तो चलिए ब्लॉग पर कंटिन्यू रहिए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं 73 कुंज का नाइट व्यू, और नाइट व्यू में मैं प्रथम कुंज को दिखा रहा हूँ जो राधे कृष्ण का है। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे किस तरह से भक्तों की भीड़ लगी हुई है। अभी सभी कोई शाम के समय में संध्या आरती करने के लिए यहाँ पे पहुँच रहे हैं, और सामने में भी आप कुंज देख रहे हैं, सभी कुंजों में अभी भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। और आप यहाँ पे देख रहे होंगे महा हरि कीर्तन चल रहा है, और महा हरि कीर्तन में महिला भी शामिल है, और अखंड हरि कीर्तन जो कभी नहीं टूटने वाला है, 9 दिनों तक कंटिन्यू चलने वाला है। आप हरि कीर्तन को देखने के लिए आप चारों तरफ देख रहे होंगे किस तरह से भीड़ उमड़ पड़ी है। दोस्तों अब यहां से दूसरे प्लेस की ओर चल रहे हैं और वहां पे देखते हैं जाकर के किस तरह से भक्तों की भीड़ होती है। तो आप लोग ब्लॉग पे कंटिन्यू रहिएगा। और अभी हम लोग मेन कुंज के पास में हैं जहां पे आप देख रहे होंगे किस तरह से भीड़ आप लोगों को दिखाई दे रही है। और अभी मैं दिखा रहा हूँ चारों तरफ आप लोगों को जहाँ पे हरि कीर्तन का भी रात्रि का भी है, और ये श्रीकांतिका कुंज है, और इसी के पीछे हम देख रहे होंगे सभी कुंज आप लोगों को दिखाई दे रहा है। और इधर आप देख सकते हैं सभी को सांझ दे करके वापस जा रहे हैं सभी कुंजों से, और पीछे में भी आप बहुत सारा कुंज देख रहे होंगे जहाँ पे अभी सभी जगह पे हरि कीर्तन चल रही है। और ये रात्रि का व्यू मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, काफ़ी श्रद्धालु यहाँ पे पहुँचे हुए हैं कुंज का दर्शन करने के लिए, और काफ़ी भक्तिमय माहौल है यहाँ का पार प्राण का। और आप यहाँ पे भी देख सकते हैं काफ़ी भक्त लोग आए हुए हैं। और आगे चलते हैं और भी कुंज आप लोगों को दिखाते हैं, आप देख रहे होंगे। तो आई होप कि आप लोगों को काफ़ी अच्छा लग रहा होगा, और यहाँ का जो नाइट व्यू है वो काफ़ी खूबसूरत नाइट व्यू है। और रात्रि में ज़्यादातर लोग आ रहे हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए कुंभ का, और जैसे कि आप देख रहे होंगे सभी जगह में अभी सांझ दिया जा रहा है दीपक जला करके, और इधर भी आप देख रहे होंगे कुछ कुंभ आप लोगों को दिखाई दे रहा है जहाँ पर सांझ देने का प्रक्रिया चल रही है अभी सभी कुंभों को लेकर के। और इधर आप देख रहे हैं हरि कीर्तन भी चल ही रहा है, बहुत सारे लोग आए हुए हैं भक्त लोग दर्शन करने के लिए कुंभ का। और अभी आप देख रहे होंगे कि अभी भी लोग आ ही रहे हैं यहाँ पे, और आप यहाँ पे देख रहे हैं सभी को माथा टेक कर प्रार्थना कर रहे हैं और प्रसाद यहाँ से ग्रहण करते हैं, और सभी को सांझ दे रहे हैं, सांझ का समय हो चुका है। और आप देख रहे हैं यहाँ पे सभी कुंजों में सभी को दर्शन करने के लिए पहुँच रहे हैं। राधे राधे लिखना ना भूलें दोस्तों कमेंट में। और देखिए शाम का समय हो चुका है और दीपक जलाते हुए आपको यहाँ पे दिखेंगे यहाँ की महिलाएं। तो दोस्तों आप देख रहे हैं पीछे में, और यहाँ से मैं आप लोगों को सभी कुंज का दर्शन करवा रहा हूँ, और अभी देख सकते हैं किस तरह से भीड़ है। और यहाँ से आप देख सकते हैं सभी कुंजों में हरि कीर्तन हो रही है यहाँ पे, और आगे का मैं व्यू आप लोगों को दिखाने के लिए जा रहा हूँ, बने रहिएगा। और नाइट में आपको यहाँ पे मेला भी देखने के लिए मिलेगा, और तरह तरह की सामानें यहाँ पे बिक रही है, और आप देख रहे हैं सभी तरफ दुकानें लगी हुई है। और यहाँ पे एक मेला का भी आयोजन किया गया है जहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ घरेलू सामान को खरीदारी कर सकते हैं, और अभी भी भक्त लोग आ ही रहे हैं इस 73 कुंज का दर्शन करने। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी एक कुंज को बनाया गया है, और उसी कुंज के जस्ट बगल में दूसरा
तारा कुंज को भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं हरि कीर्तन हो रहा है और ये अखंड हरि कीर्तन है। आपको दूसरे कुंज की ओर भी लेके मैं चल रहा हूँ और यहाँ पे भी आप एक सुचारू कमरा कुंज है और यहाँ पे भी अखंड हरि कीर्तन का आयोजन हुआ है। पीछे में भी आपको ढेर सारे कुंज आप लोगों को दिखाई दे रहा है। अगर देखा जाए तो टोटल यहाँ पे 73 कुंज का निर्माण हुआ है और सभी कुंज में हरिनाम संकीर्तन का जाप चल रहा है। ग्राउंड में आप देख सकते हैं ये क्रिकेट ग्राउंड है और ये क्रिकेट ग्राउंड में काफ़ी ज़्यादा स्पेस आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैं दूसरे प्लेस पर आ चुका हूँ और यहाँ के भी सभी कुंजों को मैं दिखाने के लिए जा रहा हूँ। राधा कृष्ण जी का दर्शन कर सकते हैं और आप यहाँ पे देख रहे होंगे सभी कीर्तन मंडली के लोग हरिनाम संकीर्तन से लगे हुए हैं। और आप पीछे में देख रहे हैं काफी सारे लोग हैं जो अभी भी आ रहे हैं इस तिहत्तर कुंज की धरती में। तो अभी मैं सामने वाले कुंज के पास में लेकर के चल रहा हूँ जहाँ पे काफ़ी बेहतरीन रूप से हरि कीर्तन का आयोजन किया गया है और हरि नाम का जाप चल रहा है यहाँ पे। और आप देख रहे हैं यहाँ पे और इधर आप देख रहे हैं और अभी भी लोग आ रहे हैं शाम के समय में शांत देने के लिए। आप देख रहे हैं और यहाँ से मैं आप लोगों को तमाम कुंजों का दर्शन करवा रहा हूँ और यहाँ पे देख रहे हैं किस तरह से हरि कीर्तन चल रहा है। यहाँ पे सभी को झूमते हुए नजर आ रहे हैं आपको। सब हरि नाम ये अखंड जाप में लगे हुए हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ का नाइट व्यू तिहत्तर कुंज का काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिएगा और हमारे चैनल पर न्यू है और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह का तिहत्तर कुंज का ब्लॉग देखना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखें तभी आप ब्लॉग को देख पाइएगा। तो चलिए नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। राधे राधे।